Salir. Allá va yo. Ahí. Volte, volte. शहर वासियों को परेशान कर रहा है। ना तो हैंडपंप रिपेयर हो रहे हैं, कोई अभियान हैंडपंप रिपेयर के नाम से चलता है लेकिन एक हैंडपंप रिपेयर नहीं होता है। पानी की जितनी लाइनें लीकेज हो रही हैं उनको ठीक करने का कोई काम नहीं है। पानी 72 घंटे में मिल रहा है शहर के लोगों को लेकिन कोई प्रेशर मेंटेन नहीं है। कहीं 20 मिनट, कहीं 15 मिनट और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पानी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जितनी भी स्मार्ट सिटी के तहत जो लाइनें डाली जानी चाहिए थी वो स्मार्ट सिटी के तहत जो लाइनें डलनी चाहिए थी सेंक्शन हो गई, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, वो बिल्कुल कछुआ चाल से चल रहे हैं और डालने के बाद में जो रिपेयर होनी है सड़कें वो रिपेयर नहीं हो रही है। शहर के लोगों को इतनी बुरे हाल हैं कि कई बार 1200 रुपए में टैंकर खरीद करके उनको टैंकर घरों में डलाना पड़ रहा है। यहाँ JN ऑफिस में कोई फ़ोन करे, जनता फ़ोन करे तो कोई रिसीव करने वाला फ़ोन नहीं है, जबकि इतना गंभीर जन संकट है कोई रिसीव तो करे फ़ोन को। तो लोग परेशान होकर के फिर आते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमारी दिक्कत है, तीन तीन चार चार दिन से पानी नहीं आ रहा है। और तो और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो हैंडपंप स्वीकृत हो गए थे, जिनके वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे, वो वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद में आज तक ठेकेदारों ने वो पूरी तरह से हैंडपंपों को खोदा नहीं है। इसके अतिरिक्त जितनी नई टंकियाँ बन गई हैं उन नई टंकियों को पानी से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे कुएँ ऐसे हैं जो आज भी उनसे पेयजल सप्लाई की जा सकती है लेकिन उन कुओं का कंटिजेंसी प्लान बना करके तो भेजा लेकिन राज्य सरकार ने उसको स्वीकृत नहीं किया, जबकि इसके विपरीत जयपुर के कंटिजेंसी प्लान को स्वीकृत कर दिया। तो भाई अजमेर में लोग नहीं रहते हैं क्या? इंसान अजमेर में रहते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं है क्या? लेकिन बीसलपुर में पानी नहीं है ये हम भी मानते हैं और जनता भी इसको समझती है, लेकिन 72 घंटे में या 95 घंटे में आप पानी दे रहे हो, कम से कम अच्छा तो प्रेशर हो ताकि लोग उस 3 दिन के लिए पानी स्टोर करके रखें। लेकिन 3 दिन तो छोड़ो, 1 दिन भी वो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है और फिर लोग हैंडपंप पर जाने पर मजबूर होते हैं लेकिन हैंडपंप नहीं है तो हैंडपंप के कारण से फिर परेशान होते हैं, फिर मजबूरी में महंगे टैंकर्स मंगाने पड़ते हैं। अभी हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और उसमें कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर तत्काल व्यवस्था को ठीक किया जाए, यदि व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो हम जनता को साथ लेकर के आंदोलन की राह पकड़ेंगे और वो आंदोलन अजमेर के इतिहास का एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें प्रशासन को मजबूरन जो है व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। अजमेर में जिस तरह से पानी की समस्या से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, गत दिनों हमने काफी बार जल विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की, उनसे भी मिले, अनौपचारिक रूप से कलेक्टर साहब से भी हमने आग्रह किया लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक बीसलपुर में पानी कम होने के बाद जब 72 घंटे में पानी देना तय किया तो भी इन्होंने वादा किया था कि हम 45 मिनट तक पूरा पानी प्रेशर के साथ देंगे लेकिन आज तक जनता को पानी नहीं मिल रहा है। कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट और वो भी इतनी लीर लीर पानी आ रहा है कि जनता को एक मटका भी पानी नहीं मिल रहा है। इससे जनता बड़ी परेशान है, जल विभाग चैन की नींद सो रहा है और कलेक्टर साहब एक आचार संहिता के नाम पे किसी तरह से जनता की समस्याओं के समाधान में कुछ कर नहीं रहे। तो आज मैं, मेरे साथ हमारे सहयोगी अजमेर दक्षिण की विधायिका अनीता जी और सारे पार्षद, हम सब लोगों ने मिल करके आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में स्पष्ट मांग की है कि 72 घंटे पूरा पानी 45 मिनट प्रेशर के साथ अजमेर की पूरी जनता को उपलब्ध कराएं, जो हैंडपंप खराब पड़े वो हैंडपंप सुधारे जाएं और जो हैंडपंप स्वीकृत हुए पड़े वो खुदवाए जाएं और साथ में स्मार्ट सिटी के अंदर जो पाइपलाइन बिछाने का काम निर्णय हो चुका था उस स्मार्ट पाइपलाइन बिछाई जाए, साथ में हमारे क्षेत्र के अंदर
जो कुएं बावड़ियां हैं उनको साफ कराया जाए, और जहां पे टैंकर की आवश्यकता हो वहां पे तुरंत टैंकर भेजा जाए। इस प्रकार की बात पर टैंकर के लिए उन्होंने कहा है कि हम नंबर सबको प्रकाशित करेंगे और सब कोई भी टैंकर उससे मंगवा सकेगा। बाकी बातों के लिए भी आश्वस्त किया है, लेकिन हमारे स्पष्ट आरोप है आचार संहिता के नाम पे केवल अजमेर की जनता को परेशान किया जा रहा है। इसी आचार संहिता के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जयपुर के लिए 283 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। हमें अभी बताया गया है 60 करोड़ का कंटेंजेंसी प्लान अजमेर के लिए भी गया, लेकिन वह अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। अब हम कलेक्टर के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह कंटेंजेंसी प्लान तत्काल स्वीकृत करके अजमेर के कुओं को साफ करके हैंडपंप को सुधार करके और पानी के पूरे प्रेशर से देख करके हम आगे बढ़े। आज हमने 5 बोतलें पानी की उनको भेंट की है कि किस तरह से जनता महंगा पानी खरीद करके पीने को मजबूर होनी पड़ रही है। एक एक टैंकर 1250 रुपए तक व्यक्ति अपने घर के लिए खरीद रहा है, तो इस प्रकार का दृश्य हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कुछ दिनों के अंदर यदि ये हल नहीं हुआ तो हम सब लोग बैठ मिल करके आगामी कदम आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।